वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज ओहोय। मेरा नाम है तुषार। आज एक सेट की बात करते हैं जो था बिग साइज हॉरर सेट राज कॉमिक्स का। तो ये क्लासिक थ्रिल हॉरर सस्पेंस है जो अभी लार्ज साइज में रिप्रिंट हुई है। मुझे ये नहीं पता कितने टाइम पहले रिप्रिंट हुई थी, पर जैसा कि आप जानते हैं मैंने काफ़ी सारी बुक्स नहीं पढ़ी है और इसी साल सारी कैचअप कर रहा हूँ। तो ये वाला जो रिप्रिंट का सेट आया था ये मैंने अभी लिया है और इसमें 7 बुक्स हैं। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली बुक है 12 घंटे, फिर आती है लॉकेट, फिर है शैतान, फिर है तहलका, फिर आती है भंजा और फिर आती है खतरा और प्रेत युद्ध। तो इन बुक्स के बारे में बता दूं, ये बहुत ही राज कॉमिक्स के जो हॉरर है, हॉरर बुक्स हैं, वो आपको पता ही होगा कि वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कि उसमें स्टोरीज और आर्ट सब कुछ होता है। और मुझे इसमें क्या अच्छा लगता है, इसमें तरुण कुमार वाही जी जो पता नहीं कैसे इतने अलग अलग जॉनर्स लिखते हैं, हॉरर भी लिखते हैं, कॉमेडी भी लिखते हैं और उन्होंने काफ़ी सारी डोगा की भी बुक्स लिखी हैं, अभी भी बुक्स लिख रहे हैं वो। तो इन बुक्स में आप देख सकते हैं आर्ट। तो इसमें एक या दो बुक्स में विनोद कुमार जी का आर्ट है और ये विनोद कुमार जी का आर्ट मुझे ये प्रेत अंकल वाले स्टाइल का लगा। तो इसमें कैसा आर्ट होता है, बहुत फ्लोई टाइप का आर्ट होता है। आप ये देखें तो इस तरह का इसमें, और जो हॉरर में ये वाला आर्ट बहुत अच्छे से जाता है। और ये मुझे देख के ही दिखाना पड़ेगा बिकॉज इसमें काफ़ी सारे हॉरर के एलिमेंट्स होते हैं, पर जैसा कि आप देख सकते हैं ये तो क्लासिक है। प्रेत अंकल का जो सी है इसमें बहुत ही अच्छा आर्ट है और ये क्लासिक हॉरर रीड है। तो इन बुक्स में से 7 बुक्स में से मैंने अभी तक 5 बुक्स पढ़ी हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये 12 घंटे वाली जो बुक है इसमें एक हवेली की स्टोरी है। एक 12 घंटे का एक सीक्वल भी आया था 13 घंटे। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट यही है कि एक आदमी होता है जिसके कुछ पालतू चूहे होते हैं, वो लाशों में से चुन के या चुरा के सोने के जेवर वगैरह लेकर आते हैं। तो एक ट्रेजडी हो जाती है जिसकी वजह से उसकी बेटी मर जाती है और एक ट्रेजडी में उसकी जब उसको पता चलता है कि उसकी बेटी की लाश के साथ ऐसा हुआ है तब वो बदला लेता है। तो ये एक सेम कॉन्सेप्ट में हॉरर के बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं होता है। हॉरर की स्टोरीज़ में एक कैरेक्टर होता है जिसके साथ कुछ बुरा होता है और फिर वो जस्टिफाई करता है और क्राइम करके। पर राज कॉमिक्स की ये जो बुक्स हैं इनमें आप देखिए ये आर्ट इतना ज़्यादा अच्छा होता है कि हॉरर में तो मज़ा आता ही है जो भी हॉरर के फैंस हैं, बट जिस तरह से इफेक्ट्स, साउंड इफेक्ट्स और ये पैनल्स हैं, ये पैनल्स का मज़ा देखते ही बनता है। तो ये थी 12 घंटे। उसके बाद 13 घंटे लॉकेट इसी का सीक्वल है। तो वो उसको उसकी बेटी का लॉकेट मिलता है और वो एक तरह की रेवेंज स्टोरी है। पर इन बुक्स में क्या हुआ था कि अच्छा इसमें भी वही वाला आर्ट है। तो ये 12 घंटे और लॉकेट में उसी टाइप की स्टोरी चलती है, बट 12 घंटे मुझे ज़्यादा अच्छी लगी। फिर 13 घंटे का रिव्यू शायद मैंने करा है, नहीं करा है पता नहीं, पर 13 घंटे भी ठीक ही थी स्टोरी। ऑब्वियसली आपको वैसा आर्ट नहीं मिलेगा। 13 घंटे में किसका आर्ट था, इसमें विनोद कुमार जी का ही आर्ट था, पर वो पुराने स्टाइल का मज़ा नहीं आता जो फ्लैट कलर्स में आता था। तो उसके बाद आते हैं कुछ और बुक्स पे। तो ये बुक है शैतान। अब शैतान, तहलका और भंजा में क्या स्पेशल बात है, इसमें विनाश टूत और गगन है। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग राज कॉमिक्स का आइडिया था कि क्यों ना हॉरर स्टोरीज़ में हम ऐसे दो कैरेक्टर्स को यूज़ करें जिनकी ज़्यादा स्टोरीज़ नहीं आई हैं। तो इसमें कुछ हॉरर, कॉमेडी और एक सोशल इश्यूज, इन सब को लेके बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी। तो हर एक स्टोरी में एक कुछ डेविल या एक कुछ गोस्ट या स्पिरिट टाइप का कैरेक्टर होता है, जैसे इसमें शैतान होता है और कुछ उसकी बैक स्टोरी होती है, कुछ सैड स्टोरी होती है जिसकी वजह से वो रेवेंज ले रहा होता है। स्टोरी में इतना ज़्यादा कुछ
इंटरेस्टिंग नहीं होता, पर जिस तरह से स्टोरी मूव करती है बहुत ही शानदार एक्शन बेस्ड स्टोरी है। तो ये थी शैतान, उसके बाद तहलका, ये वाली बुक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। तो इसमें फिर से इसमें प्रताप मूलिक जी का आर्ट नहीं है, इसमें विनोद कुमार जी का ही आर्ट है शायद, इसमें आर्टिस्ट का नाम नहीं दे रखा। बट इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग, मुझे तहलका वाली बुक तो बहुत ही अच्छी लगी। इसमें हालांकि एक कच्चा गिरोह सदस्य एक टाइप का दिखाया जाता है, बट इसमें जो मॉन्स्टर्स दिखते हैं मैं शायद आपको दिखा नहीं पाऊंगा, बहुत क्विकली दिखा देता हूँ। तो इसमें जो मॉन्स्टर्स दिखते हैं वैसे ही मॉन्स्टर्स प्रेत अंकल में देखने को मिलते हैं, जो एब्सोल्यूट हॉरर, गोरी हॉरर, बॉडी हॉरर जिसको बोलते हैं वो इसमें देखने को मिला था। ऑल आउट हॉरर था इसमें, और दैट वाज लाइक बहुत ही ज़्यादा एंजॉयबल ये तहलका वाली बुक। उसके बाद आते हैं भंजा पे, भंजा में भी वही हवेली, खजाना और यही सारी चीज़ों को लेके। तो भंजा इसमें एक ठाकुर का नाम होता है, राजा प्रताप राज भंजा। तो ये एक लॉस्ट किंगडम टाइप का प्लॉट रहता था रामसे की बुक्स में भी, वैसा ही इसमें भंजा में भी रहता है। तो भंजा काफ़ी एंजॉयबल बुक है, इसमें अलग अलग तरह के एक कपाल फोड़ टाइप का एक गिरोह दिखाया जाता है। फिर जैसे पैसे के लालच में कुछ एक ग्रुप ऑफ पीपल वो खजाने के चक्कर में जाते हैं, और किस तरह गगन और विनाश दूत कैसे स्टोरी में आते हैं और कैसे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, वो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग था। तो अभी तक ये मैंने बात करी है इन सारी बुक्स की, और ये प्रेत युद्ध और खतरा के बारे में मैं नेक्स्ट बात करूंगा। बट मुझे नहीं पता कि प्रेत युद्ध में भी, प्रेत युद्ध और खतरा में प्रताप मूलिक जी का आर्ट है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें गगन और विनाश दूत है। मुझे कवर में तो दिख नहीं रहे हैं, पर खतरा में ज़रूर हैं। खतरा में भी प्रताप मलिक जी का आर्ट है, और ये मैं अभी नेक्स्ट पढ़ूंगा। तो यही एक बात थी थ्रिल हॉरर की बुक्स की, कि कितना शानदार ये बुक्स हैं, और अगर आप थ्रिल और हॉरर के फैन हैं तो दीज बुक्स आर एब्सोल्यूट क्लासिक्स, और जिस तरह की ये रीप्रिंट की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। तो आई एम अ फैन ऑफ हॉरर जॉनरा, और मुझे ये बुक्स में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो दैट्स माई रिकमेंडेशन फ्रॉम पैनल डेज फॉर दीज बुक्स, एंड होप यू लाइक द वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग पैनल डेज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।